चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी, क्या पढ़ते हैं इम्यूनिटी, फिर से बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ इम्यूनिटी किसके बारे तो यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, देखो ना फंक्शंस के आधार पे टाइप ऑफ इम्यूनिटी, किसके आधार पे फंक्शंस के आधार पे ना, फंक्शंस के आधार पे इम्यूनिटी का क्या टाइप, फंक्शंस के आधार पे इम्यूनिटी दो तरह की होती है, कितने तरह की होती है दो तरह की, फंक्शंस के आधार पे इम्यूनिटी कितने तरह की होती है दो तरह की, एक जो इम्यूनिटी है उसका नाम है एक्टिव इम्यूनिटी, क्या नाम है एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा जो इम्यूनिटी है ना उसका नाम क्या है पैसिव, पैसिव इम्यूनिटी, बोलो बोलो क्या है पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितने तरह की दो तरह की, एक क्या एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा क्या पैसिव इम्यूनिटी, समझ आ रहा है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव, नहीं बोल रहे हो, चलिए देखिए एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, एक्टिव का हम लोग बात करते हैं, द इम्यूनिटी व्हिच इज फंक्शनल इन लाइफ टाइम इज कॉल्ड क्या एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब वैसा इम्यूनिटी जो क्या होता है फंक्शनल होता है लाइफ टाइम, क्या होता है फंक्शनल होता है, कैसे फंक्शनल होता है तो लाइफ टाइम, कैसे लाइफ टाइम फंक्शनल होता है, वैसा इम्यूनिटी जो लाइफ टाइम फंक्शनल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी ना, वैसा इम्यूनिटी जो लाइफ टाइम फंक्शनल होता है लाइफ टाइम उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, और वैसा इम्यूनिटी जो फंक्शनल होगा कब, फंक्शनल होगा कब, फंक्शनल होगा ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्या ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के टाइम में जो फंक्शनल होगा ना, इन्फेक्शन के टाइम में जो फंक्शनल होगा ना उसको बोलते हैं क्या पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितने तरह की फंक्शंस के आधार पे दो तरह की, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी, एक वैसा इम्यूनिटी जो फंक्शनल होगा लाइफ टाइम हमेशा फंक्शनल रहेगा उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, और जो फंक्शनल होगा कब इन्फेक्शन के टाइम में, कब फंक्शनल होगा इन्फेक्शन के टाइम में उसको बोलते हैं हम लोग क्या पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी, इसका और नाम हो जाता है ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलेंगे नेचुरल इम्यूनिटी, क्या बोलेंगे इसको नेचुरल इम्यूनिटी, बताओ क्या बोलेंगे नेचुरल इम्यूनिटी बोलेंगे, और इसको यहाँ पे देखिए ना ये हो गया क्या नेचुरल इम्यूनिटी हो गया, और इट डेवलप बाय द फॉलोइंग वे, ये डेवलप होगा कैसे टू वे, दो माध्यम से डेवलप होगा, पहला है ना पहला डेवलप होगा कैसे बाय द डिजीज, इसके द्वारा डेवलप होगा डिजीज के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा डेवलप होगा वैक्सीन के द्वारा, किसके द्वारा डेवलप होगा वैक्सीन के द्वारा, मतलब कि एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होता है हमारे बॉडी में दो मेथड से, पहला डिजीज के माध्यम से बन जाएगा ना, और दूसरा क्या वैक्सीन के माध्यम से बनेगा, ठीक है। डिजीज के माध्यम से कैसे बनेगा है ना, डिजीज के माध्यम से कैसे बनेगा, चलो देखो क्या हो गया हमारे बॉडी में, मान लो डिजीज हो गया कभी, मान लो क्या हो गया कोई डिजीज हो गया, ठीक है। जब डिजीज हो गया तो डिजीज होने के बाद हम लोग दवा नहीं लेंगे, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। इम्यून पावर ही लड़ करके डिजीज के साथ इन्फेक्शन को खत्म करके जब ठीक कर जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, देखो क्या बोलेंगे वो एक्टिव इम्यूनिटी बन जाएगा और डिजीज के द्वारा बना, और कभी कभी क्या होता है कोई डिजीज हो जाता है, ठीक है, उस डिजीज से छुटकारा पाने के लिए हम लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं, क्या लगवाते हैं वैक्सीन लगवा लेते हैं, और वैक्सीन लगाने के बाद फिर ठीक होगा तो फिर वो दोबारा से नहीं होगा, तो क्या हो गया वैक्सीन के द्वारा होने वाला ये एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगा, ऑटोमेटिक ठीक होगा फिर भी दोबारा नहीं होगा, ठीक। दोबारा यदि होगा भी गलती से, मान लो हो भी गया गलती से, तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, दवा की जरूरत कोई नहीं पड़ेगा, ठीक ऐसा है। इसके बाद है क्या पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, जो इन्फेक्शन के टाइम में एक्टिव होता है उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, और इट डेवलप इन फ्यूचर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल मिल्क, पैसिव इम्यूनिटी डेवलप किसमें होगा, इसमें डेवलप होगा बताओ डेवलप होगा फ्यूटस में, इसमें डेवलप होगा फ्यूटस में ना, कब तो कोलेस्ट्रॉल मिल्क से डेवलप होगा, किससे डेवलप होगा कोलेस्ट्रॉल मिल्क से डेवलप होगा फ्यूटस में, ये हो गया क्या पैसिव इम्यूनिटी, क्या क्या हुआ पैसिव इम्यूनिटी है ना, दो तरह की ये हमारा इम्यूनिटी है, कितने तरह की दो तरह की, दूसरे को कितने तरह की दो तरह की, किसके आधार पे फंक्शंस के आधार पे, किसके आधार पे फंक्शंस के आधार पे इम्यूनिटी दो तरह की होती है, पहला है एक्टिव इम्यूनिटी, पहला क्या है बताओ पहला है एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा जो है वो क्या है पैसिव इम्यूनिटी, पहला एक्टिव और दूसरा क्या पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। जो हो गया यहाँ पे देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा फंक्शनल होगा लाइफ टाइम, एक्टिव इम्यूनिटी जो फंक्शनल होगा कब ड्यूरिंग इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस के टाइम में जब फंक्शनल होगा तो उसको बोलेंगे क्या पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसके बाद इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा नेचुरल इम्यूनिटी, और ये दो मेथड से डेवलप होगा डिजीज के द्वारा और वैक्सीन के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो फंक्शनल ड्यूरिंग इन्फेक्शन और डेवलप होगा कोलेस्ट्रॉल मिल्क से, किससे डेवलप होगा कोलेस्ट्रॉल मिल्क से डेवलप होगा, ठीक है।